नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम ORP 2 फिक्सेशन अकॉर्डिंग टू 7CPC आपकी 7th पे कमीशन के अंतर्गत ही जो आपकी फाइनल ORP टेबल होगी जारी, उसके बारे में हम आपको डिटेल से सभी रैंक्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखें और टेबल में समझें किस प्रकार से सभी रैंक्स की ORP 2 की जो बढ़ोतरी रहेगी वो किस प्रकार से 7CPC के अकॉर्डिंग रहेगी। तो दोस्तों बिल्कुल स्टीक अपडेट हम आपको वीडियो में देंगे। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर ही प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के सीधा हम यहाँ पर देख लेते हैं ये रैंक्स हैं आपकी 5th CPC, 6th CPC और उसके बाद 7CPC। डिटेल में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से फिक्सेशन हुआ है आपकी पेंशन का और उसके बाद आपका जो हाईएस्ट यानी टॉप अप पे स्केल के अंतर्गत आपकी टॉप अप अमाउंट जो है वो उसके रिगार्डिंग ही आपकी प्लस आपकी MSP आपकी ग्रेड पे, उसके बाद जो आपकी ORP 2 की फाइनल हर एक रैंक की किस प्रकार से बन रही है पेंशन उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सभी सिपाही नायक, आप सभी को एक चीज़ और हम यहाँ पर क्लियर कर दें, जो 7CPC में होगा तो वहाँ पर सभी सिपाही नायक ACP हवलदार में काउंट होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल सिपाही नायक ACP हवलदार जो 16 ईयर्स हैं उनकी जो 5th CPC है वो टॉप अप जो अमाउंट है टॉप अप स्केल का वो था 5100। यहाँ पर बात हो रही है सिपाही नायक और ACP हवलदार में जो ये पीछे की सभी रैंक्स जो काउंट होने वाली हैं, तो इनका ये 5th CPC का हो गया। उसके बाद इसका 1.86 के अंतर्गत यहाँ पर आप सभी जानते हैं 6CPC प्लस MSP ग्रेड पे के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ORP 2 जो 7CPC की अकॉर्डिंग आपकी पेंशन तय की जाएगी। तो टॉप अप हाईएस्ट पे स्केल कितनी है, जो बेसिक पे 45400, जब हम इसका हाफ करेंगे डिवाइड बाय 2 तो बन रहा है 22700। उसके बाद आपकी MSP जो 5200 है उसका हाफ करेंगे यहाँ पर हम 2600। इस प्रकार से आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फाइनल इनकी पेंशन बन रही है 25300, यही एग्जैक्ट फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत PCDA द्वारा भी टेबल जारी की जाएगी और यही आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट पेंशन टेबल है। तो दोस्तों इस प्रकार से रहेगी। आगे की रैंक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। वीडियो में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट या कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात यहाँ पर कर लेते हैं हवलदार नायब सूबेदार ACP नायब सूबेदार और सूबेदार 26 साल। तो 5CPC के अकॉर्डिंग जो टॉप अप स्केल का टॉप अप अमाउंट है 8140, जब इसको 6CPC में कन्वर्ट किया गया तो 19350 प्लस MSP ग्रेड पे जो इनकी रहेगी। उसके बाद जो 7CPC की अगर हम बात करें तो 58600, ये है हाईएस्ट टॉप अप बेसिक पे, जब हम इसका हाफ करते हैं डिवाइड बाय 2 तो निकल कर आता है 29300 और इसमें MSP 2600 होकर टोटल जो आपकी बन रही है पेंशन वो बन रही है 31900 रुपये। तो इस प्रकार से आपकी पेंशन, ये आपकी फाइनल ORP 2 पेंशन है। नेक्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो सूबेदार रैंक 28 साल, तो 5CPC के अकॉर्डिंग टॉप अप जो अमाउंट है 9320, 6CPC आपका ऐसे ही MSP जो 21940 प्लस आपका MSP इस प्रकार से ही डिसाइड हुई थी और ग्रेड पे, तो आपका 7CPC में भी ऐसे ही होगा। ये आपकी टॉप अप स्केल का आप अगर हम हाफ यहाँ पर करें तो 36050 रुपये प्लस आपकी MSP 38650 रुपये। इस प्रकार से ये आपकी फाइनल जो है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फाइनल टेबल है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सूबेदार मेजर 30 साल के लिए जिन्होंने सर्विस दी है, तो 9550 इनकी जो है बेसिक जो टॉप अप अमाउंट था 5CPC में, 6CPC में 22570 प्लस MSP ग्रेड पे, तो अब 7CPC का टॉप अप स्केल है 74300, जब हमने इसका हाफ यहाँ पर किया है तो 37150 जो आपकी 7CPC की पेंशन रहेगी उसमें आपका MSP 2600
इस प्रकार से उसके बाद जो फाइनल आपकी बन रही है 39,750 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सभी रैंक्स को जो है 7 CPC के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने साथी पेंशन धारकों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर लें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद जय भारत।